उनके फेस से लग रहा था कि ये चीटिंग हुई है, बट मुझे भी लग रहा है कि ये आउट ही था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। टेस्ट मैच के हवाले से बात करते हैं। साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच बड़े सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। बहुत ही नपी तुली बॉलिंग और बैटिंग तो इतनी खास नहीं है, मगर ऋषभ पंत ने जो बैटिंग किया वो उसके दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने बहुत जबरदस्त उमदा बैटिंग की है और ऐसे छठे बैट्समैन छठे से ज्यादा नंबर पर बैटिंग करने वाले ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने, मगर टीम 198 रन पर आउट हुई है और उन्होंने 100 रन बनाए हैं, ये पहले बैट्समैन ऐसे। और ऋषभ पंत के ऊपर काफी तनकीद भी होती रही है और ये वाहद बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों ही सरजमीनों पर सेंचुरी रन स्कोर किया। ये वाहद ही विकेट कीपर इंडिया का बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस दी है। अगर बात ओवरऑल अगर टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 223 रन बनाए, 79 रन की इनिंग खेली। विराट कोहली ने उमदा बैटिंग का मजारा किया मगर 100 नहीं कर सके। उसके बाद जो बॉलिंग की है, रबाडा ने 4 विकेट लिए, मार्को ने 3 विकेट लिए। और सेकंड इनिंग की अगर दूसरी इनिंग की बात करें साउथ अफ्रीका की, तो उनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने 210 रन की इनिंग खेली, 210 पे आउट हो गए। बुमराह ने बहुत ही उमदा बॉलिंग का मजारा किया, उन्होंने 5 विकेट लिए। और बैटिंग की बात करें तो पीटरसन ने बहुत ही उमदा बैटिंग का मजारा करते हुए 72 रन की इनिंग खेली, बहुत जबरदस्त बैटिंग। यंगस्टर है, नए आए हैं और उमदा बैटिंग का मजारा कर रहे हैं। और अगर इंडिया की सेकंड इनिंग की बात करें तो इंडिया एकदम फिर फ्लॉप होगी और 198 रन पर आउट होगी, और उसमें 198 में भी छठे नंबर पे आया के पंट ने जो 100 रन की इनिंग खेली। अदरवाइज ये टीम इंडिया की टीम में भी 150 रन बना पाती, में भी इससे भी कम पे आउट हो जाती। बहुत ही उमदा बैटिंग का मजारा किया। वंस अगेन सेकंड इनिंग में रबाडा ने 3 और मार्कोस ने 4 विकेट लिए। और जब बैटिंग स्टार्ट की साउथ अफ्रीका ने तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, बट 102 रन बनाए हैं और उनके 2 विकेट गए हैं। लास्ट एक ओवर पहले उनके एल्गर आउट हुए हैं, एल्गर को उनकी एक एशवन की गेंद पे लगी फोर अंपायर ने आउट भी किया था, डीआरएस में विकेट के ऊपर से बॉल क्रॉस कर गया। आई डोंट थिंक सो के वो विकेट के ऊपर कभी भी, अगर वो मैं अगर लेग फोर देखूं, मिडल में हिट किया है, पैड के मिडल में लगा है और बॉल स्टंप के ऊपर से क्रॉस कर गई है, ये बिलीव मैं नहीं बिलीव कर सकता। बट जो हॉक आई है डीआरएस, उसने इसको प्रूव किया कि वो नॉट आउट था, बट ऐसा नहीं। विराट कोहली ने इसका रिएक्शन बहुत सख्त लिया था, उनके फेस से लग रहा था कि ये चीटिंग हुई है, बट मुझे भी लग रहा है कि ये आउट ही था। बट जो भी है, इसमें एज ए मैं क्रिकेटर में कुछ नहीं कह सकता, ग्राउंड का डिसीजन है, अंपायर ने नॉट आउट भी दिया था और नॉट आउट रहा है। ये काफी दफा डीआरएस में इससे पहले भी बहुत दफा ऐसी चीजें हो चुकी हैं, मगर ह्यूमन एरर है और एरर आ ही जाता है, मगर वो सही टाइम पे आए तो भी इसको भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुझे दो चीजें लग रही हैं इंडिया की इस टीम में। मुझे लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा का टेस्ट कैरियर मुझे लग रहा है खत्म होता नजर आ रहा है। जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके लिए ये लास्ट चांस, आई थिंक सो कि उनके लिए सिलेक्टर ने मैं भी कहा इनको कि तुम्हारे लिए लास्ट चांस है, अगर आपने परफॉर्म किया तो आप टीम में रहोगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो जो सूरत हाल नजर आ रही है लास्ट फ्यू सीरीज में, तो मुझे तो लग रहा है एज ए सिलेक्टर काफी मुश्किल सूरत हाल उन्होंने अपने ऊपर बना रखी है। मे बी अगर सिलेक्टर का इतमाद या कैप्टन के ऊपर इतमाद करते हैं अगेन, देन वो इनको खिलाने का चांस हो सकता है। अदरवाइज मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि पुजारा और जिनके रिहाने का कैरियर जो है ना, टेस्ट कैरियर वो नियर टू क्लोज है। बट मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ कह ही सकता हूं यही चीजें कह सकता हूं। और विराट कोहली का 100 भी लग रहा है काफी मुश्किल हो गया है, काफी सूरत हाल पैदा हो गई है, मुश्किल सूरत हाल। अब टेस्ट मैच जो है 111 रन चाहिए इंडिया को टेस्ट मैच जीतने के लिए, इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच जीतने के लिए 111 रन दरकार है और इंडिया को 8 विकेटें चाहिए। क्रिकेट है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमें मिडल में आकर फ्लॉप हुई हैं, अभी 2 विकेटें गिर चुकी हैं, मेन प्लेयर उनके आउट हो चुके हैं। और मे बी अगर कल अगर अर्ली 2 विकेटें इनकी गिर जाती हैं तो मुश्किल हो सकता है टेस्ट मैच बिताना, मगर जो सूरत हाल नजर आ रही है
इंडिया का ड्रीम है कि टेस्ट सीरीज जीती जाए साउथ अफ्रीका में, तो वो ड्रीम पूरा भी हो सकता है अगर एक साइड पे बॉलिंग की जाए और चांस ना दिया जाए बैट्समैन को हिट मारने का, तो शायद मे बी ये पॉसिबल है, क्योंकि पिच के ऊपर स्विंग तो हो रहा है काफी अच्छा, बॉल सीम भी हो रहा है, बाउंस भी हो रहा है, तो फास्ट बॉलर के लिए तो चांस है। बट इससे अगर दूसरी तरफ देखा जाए, साउथ अफ्रीका की होम ग्राउंड है, उनको इस यहां पे खेलने का आइडिया है, तो वो भी जीत सकते हैं। बट ये डू एंड डाई की सिचुएशन चल रही है, अब देखते हैं कल इंडिया के फास्ट बॉलर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बुमराह 5 विकेट दोबारा ले पाते हैं इस इनिंग में, अगर बुमराह आउट करेंगे तो ही इनकी सूरत हाल थोड़ी इनके लिए मुश्किल होगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया से, इंडिया को टेस्ट मैच बिताना और टेस्ट सीरीज बिताना। बट क्रिकेट है ये बड़ी फनी गेम है, ये हंसाती कम है रुलाती ज्यादा है, देखते हैं कल के मैच में कौन रोता है।